रोहतास के डेहरी में होने वाली ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप से पर्दा उठ गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया। 6 दिवसीय इस नेशन कंपटीशन में देश के विभिन्न राज्यों से 30 टीमों के अलावा सीआरपीएफ की भी टीम भाग ले रही है। बता दें कि इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हो गया। डेहरी के BMP 2 में यह आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 15 फरवरी तक चलेगी। इस कंपटीशन में कुल 13 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की भी स्पर्धा होगी। कुल मिलाकर 751 प्रतिभागी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। बिहार में अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार में इस तरह के आयोजन से काफी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार से पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ एक बेहतर आयोजन हो रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि देश के कोने कोने से आए प्रतिभागी जब लौटकर अपने राज्य जाएं, तो उनके हृदय पर बिहार की अमिट छाप छोड़े रहें। इस अवसर पर BMP के DG SK सिंगल और रोहतास के SP सत्यवीर सिंह मौजूद रहे। बिहार में आए हैं तो बिहार से कुछ संदेश लेकर के जाइए कि बिहार वीरों की धरती है, बिहार बलिदानियों की धरती है, बिहार त्यागियों की धरती है, बिहार तपस्वियों की धरती है, बिहार ऋषियों की धरती है, बिहार मनुष्यों की धरती है, बिहार बहादुरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार अहिंसा की धरती है, प्रेम की धरती है, मोहब्बत की धरती है, सद्भाव की धरती है। तो बिहार से मोहब्बत का संदेश लेकर के जाएं, एकता का संदेश लेकर जाएं, भाईचारा का संदेश लेकर के जाएं। और जो केरल से और देश के कोने कोने से हमारे खिलाड़ी आए हैं, तो हम आजीवन ये आयोजन सचिव को और अपने पूरी टीम के साथियों को कहूंगा कि उनका इतना अच्छा से ख्याल रखें, उनको इतना प्यार दें, इतनी मोहब्बत दें कि जाएं तो अपने सेवानिवृत्ति तक उनके जुबान पर केवल बिहार 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 ये बिहार।